जस्ट हमारा ये बद्रीनाथ का धाम है, तो जस्ट यहाँ से ऊपर होते हुए यहाँ पे केदारनाथ का गुफा है एक बहुत लंबा। ये है भाई गर्म पानी का स्रोत। ये भाई पूरा गर्म पानी का कुंडे है, पूरा गर्म पानी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आप देख रहे हो कुछ ब्लॉग, आई होप सब आप बढ़िया होंगे यार। उम्मीद करता हूँ आगे भी ठीक रहेंगे। सो गाइस, आज इस ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही ना, तो वो रही घर से, ठीक है। तो आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि यार आज है बद्रीनाथ का पूजा। तो यहाँ पे एक धाम है हमारा यार, तो ऐतिहासिक कह सकते हो उसको। जब से मतलब हमारे पूर्वज थे तब से वो पूजा होते आ रहे हैं आज तक। आपको एक ऐसी अनोखी जगह या ऐसी अनोखी चीज़ दिखाऊंगा जो आपने शायद नहीं दिखा होगा। वो चीज़ तो दिखाऊंगा आपको आज वहाँ पर जा कर के, उसका मैं पूरा डिटेल्स आपको वहाँ जा कर के देता हूँ। तो आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है कि यार जैसे बता दिया मैंने आपको पूजा है घर की आज, तो कल रात से जो पूजा वो स्टार्ट हो गई थी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको यार, स्नोफॉल हुआ था कल यार थोड़ा सा। हम पूजा में गए थे तो वहाँ पे वहाँ साइड तो उतना हुआ नहीं है, यहाँ साइड थोड़ा बहुत स्नोफॉल हुआ था कल रात को। लगभग लगभग 1-2 इंच तक स्नोफॉल हुआ था। अभी तो सारा पिघल गया यार, लगभग मैं लेट में उठा था तो मतलब मैंने ये सूट नहीं करा कि कितना बर्फ़ आ रखे क्या आ रखे करके। और बाकी आप बैकग्राउंड में मेरे चेक कर सकते हो कि कितना स्नोफॉल हुआ है करके, ठीक है। बाकी वहाँ जा कर के मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से क्या है पूजा का मतलब परम्परा क्या है। और ये एक ऐसा पूजा है जो पूरा गांव मिलकर एकजुट हो करके इस पूजा को संपन्न करते, पूजा पाठ करके। और बाकी वहां जा करके दिखाता हूं मैं आपको ये बद्रीनाथ यहां पे आया कैसे, यहां पे बद्रीनाथ की स्थापना कैसी हुई और ये चीज़ हुआ कैसे। तो मैं वहां जा करके पूरा डिटेल से देता हूं आपको। और बाकी चलते और बाकी वहाँ जा करके मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं यार अपने घर से 2-3 किलोमीटर दूर, जैसे देख सकते हो आप सामने पे, और सामने भी देख सकते हैं मंदिर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं हम लोग। और ये हमारे बड़े भाई हरदियोल के पुजारी, यानी कि हरदियोल भगवान जो है हमारा सबसे बड़े इष्ट देव, उनका एक अवतार आता है इनको। जय हरदियोल, जय हरदियोल। चलिए फिर चलते मंदिर की ओर। तो यहाँ पे चलेंगे हम अभी भाई, काफ़ी दूर आ चुके हैं हम लोग। जस्ट दिख रहा होगा आपको ये जियो का टावर, तो वहाँ पे है भाई हमारा घर। तो वहाँ से जस्ट आगे हम लोग बहुत उतार चढ़ाव के बाद यहाँ पहुँचे हम लोग। विशाल बद्रीनाथ का दर्शन कराते हैं आपको वहाँ जा करके। और वहाँ पे मैं जो कह रहा था आपको कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको, अनोखी चीज़ें जो आपने शायद नहीं देखा होगा, ऐतिहासिक चीज़ें जो होती है हमारे गाँव में लुप्त है, तो मैं बाहर प्रकट करने की, बाहर निकालने की सोचूँगा। तो ये चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप यहाँ पे टूरिज्म प्लेस भी बन सकता है अगर आप घूमना चाहते हो, तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो भाई हमसे। तो अगर आप स्नोफॉल के टाइम में आना चाहते हो तो भाई, स्नोफॉल के टाइम में आना चाहते हो तो मार्च अप्रैल या फरवरी के टाइम पे आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे, तो हम आपको यहाँ पे घुमाने लाएंगे। और स्नोफॉल का हाँ नमस्ते, फिर आपको यहाँ हम घुमाने भी ला सकते, तो बहुत मज़ा आएगा भाई। पहाड़ों का जो खूबसूरती है ना भाई, तो उनमें खो जाओगे आप। तो आगे जाकर के दिखाते आपको कि किस तरीके से है करके यहाँ बद्री विशाल का जो पवित्र भूमि स्थल है वहाँ पे, आपको दिखाते हैं किस तरीके से है करके। तो आगे जाते और दिखाते हो बद्रीनाथ, जय हो बद्रीनाथ। तो हम लगभग पहुँच चुके हैं भाई। तो सारे यहाँ पे मंदिर में जाते टाइम भाई सब स्नान करके जाते हैं, तो देख सकते हो आप एक धारा यहाँ पे है, दूसरा धारा यहाँ पे है। तो भाई यहाँ पे जो भी मंदिर जाते हैं सारे स्नान करके जाते हैं यहाँ से। और जो हमारे भक्तगण हैं भाई सारे आ रहे हैं यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो हमारे भगवान जी हैं उनके दर्शन करने के लिए सारे आ रहे हैं भाई यहाँ पे। ये गर्म पानी का आविष्कार कैसे हुआ वो भी बताऊँगा मैं आपको बाद में, जब हम मेन स्रोत में जाएंगे तो उस टाइम पर बताएंगे आपको हम कि किस तरीके से हुआ गर्म पानी का आविष्कार करके। भाई हमने स्नान वगैरह कर लिया है, तो मंदिर में जाने की तैयारी चल रही है अभी भाई। तू मंदिर में जाते और दिखाते पब्लिक कितनी भीड़ है।
तो भाई हम बद्री विशाल मंदिर के अंदर प्रवेश ले चुके हैं और भाई मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं अनोखी चीज़ की बात कर रहा था भाई। तो देख सकते हो जैसे आप यहाँ पे पूरा पुण्य है, यहाँ पे हमारा जो भी यहाँ पे अवतार आते हैं हमारा यहाँ पे स्नान करते हुए आगे की ओर चलते हैं और बाकी ये बद्री विशाल है हमारा। तो बाहर से दिखाऊंगा मैं किस तरीके से है करके और अंदर एक गुफा भी है भाई, वो गुफा भी दिखाऊंगा मैं आपको क्लियर करके पूरे तरीके से। जय हो बद्री विशाल, जय हो बद्री। ये भाई पूरा गर्म पानी का कुंड है, पूरा गर्म पानी आता है जैसे देख सकते हो आप, पूरा भाप उठ रहे हैं यहाँ से। हमारे धामी जी आ चुके हैं अंदर। शेषनाथ का निवास स्थान है भाई यहाँ पे, जो यहाँ पे अभी पूजा पाठ कर रहे हैं हम, फिर उसके बाद बाकी यहाँ से ऊपर को जाएंगे हम। तो ये है हमारा बद्री विशाल। तो इसकी शक्तियों के बारे में भी मैं आपको बाद में पूरे विस्तार से बताऊंगा, जिस टाइम हम ऊपर पे जाएंगे उस टाइम पे मैं आपको पूरा क्लियरली बता दूंगा कि क्या है ये विशाल बद्री का शक्ति। क्या हो तुझे पसीना इतना भयंकर है। जस्ट हमारा ये बद्रीनाथ का धाम है, तो जस्ट यहाँ से ऊपर होते हुए यहाँ पे केदारनाथ का गुफा है एक बहुत लंबा, तो उस गुफा तो गुफा को दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे यहाँ से हम। पूरा गर्म पानी का स्रोत आता है यहाँ पे, तो आगे बढ़ेंगे यहाँ से दिखाते हैं आपको। तो एक दीप यहाँ पे जलता है सामने पे, वहाँ पे तभी तो शर्ट ला कर लेंगे हम, चलना है इंतजार। तो केदारनाथ धाम पे हम लोग पहुंच चुके हैं और इस गुफे में बहुत बड़े नागराज भी यहाँ पे अपना निवास स्थान बनाए बैठे हुए हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है ऐसे।
गाइस यहाँ पे पूजा सारा संपन्न हो चुका है अपना, तो यहाँ से थोड़ा ऊपर को घूमने के लिए जा रहे हैं हम लोग जहाँ पे बना रखे प्लेस, और बाकी मंदिर नीचे हमारा बहुत शानदार व्यू के साथ देख सकते हो जैसे मंदिर। तो हम लोग जस्ट ऊपर भी घूमने जा रहे हैं, तो ऊपर पे बताते आगे की कहानी क्या है करके, तो जाते और बताते आप लोगों को। उस भाई लोग ऊपर आगे से जा रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो कुछ साल पहले यहाँ पे एक टूरिज्म प्लेस बनाया गया था, तो अभी के टाइम पे वो सक्सेस नहीं है क्योंकि सारा चीज़ टूट के सारा नष्ट हो चुका है, कुछ भी चीज़ से यहाँ पे जो भी चीज़ है वो कुछ सेफ नहीं है अभी। ये स्विमिंग पूल बनाया गया था 2009-10 के आसपास, लेकिन अभी ये स्विमिंग पूल पूरा डिस्ट्रॉयड हो चुका है। तो एक टाइम पे यहाँ पे स्विमिंग पूल हुआ करता था, अब नीचे जो बद्री विशाल है हमारा, तो उसके ऊपर स्नान करना नहीं पड़ते, तो इसलिए ये पूरा पुल जो है वो स्विमिंग पूल तोड़ दिया गया है। क्या है यार ये जमा हुआ, क्या जम रखे है? तो गर्म पानी का मेन स्रोत यहाँ पे है, मंदिर के आला सूख गया है ना अभी, जय हो भगवान। पहले टाइम पे यहाँ से आता था, इस टाइम पे ये जो है पूरा डिस्ट्रॉयड हो चुका है भाई, यहाँ पे पूरा गंदा वगैरह होता था, यहाँ पे किसी को भी खुजली की बीमारी कुछ होता था तो ये लगाने से सही हो जाता था। अभी के टाइम में लघु हमारे साथ है, लघु कुछ कहना चाहोगे? कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन हाँ तो सब कुछ कम कर दूंगा। ठीक है कह दीजिए भाई। अरे यार ये जो गर्म पानी है ना, ये गर्म पानी हाँ ये बहुत ही हॉट है, हॉट मतलब बहुत गर्म। अच्छा गर्म तो ये पहले कहाँ से आया करता था, ये मंदिर के अंदर से तो आजकल मतलब थोड़ा गांव धसने के कारण वो जगह चेंज कर लिया है इसने, तो इस वजह से ये गर्म पानी आजकल इस साइड से निकल चुका है, और ये तो ऊपर से आता रहा यार। और इस गर्म पानी में ना हम पहले अंडा उबाल के खाया करते थे, लेकिन आजकल दादू को खाता है चल मैं चल खाते नहीं है मतलब। ठीक है समरिया समरिया ठीक है। जो गर्म पानी का मेन स्रोत है मैंने बताया था आपको कहाँ से करके, अभी के टाइम पे जो गर्म पानी का मेन स्रोत है वो चेंज हो गया है, हालांकि हमारे गांव जो है वो आपदा ग्रस्त क्षेत्र में आने के कारण पानी का जो स्रोत है वो चेंज हो चुका है, वो दूसरे जगह से आ रहा है। ये पानी इतना गर्म है कि आपका हाथ जल जाएगा भाई इसमें हाथ रखते हो तो, और ये जो वाइट वाइट दिख रहा है आपको पानी में, यह है गंधक। अगर आपको खुजली वगैरह कुछ भी बीमारियाँ वगैरह होते तो ये लगाते तो एकदम सही हो जाते, देख सकते हो आप। ये है भाई गर्म पानी का स्रोत, यहाँ से आ रहा है भाई आजकल गर्म पानी। और बाकी मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ यार, ये गर्म पानी कैसे आया, ये कब से आता है, ये बहुत ऐतिहासिक काल से यहाँ पे गर्म पानी आ रहा है, जब से हमारे पूर्वज लोग थे। और बाकी जो यहाँ पे ये गर्म पानी का आविष्कार कैसे हो वो भी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बद्रीनाथ और केदारनाथ का पूजा किया जाता है, तो बद्रीनाथ और केदारनाथ का देन है ये गर्म पानी। बाकी ये गर्म पानी जहाँ निकलते हैं वहाँ पे ज्वालामुखी फटते हैं, तब जाके गर्म पानी आते, ज्वालामुखी कुछ फटा नहीं आते, तो बद्रीनाथ और का देन है ये गर्म पानी, ठीक है। तो यहाँ से आगे का दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था, वो डिस्ट्रॉयड हो चुका है, पता नहीं कैसे जब से गांव जब से हमारा धस रहा है तब से ये पूरा डिस्ट्रॉयड हो चुका है। और बाकी यहाँ से देख सकते हो व्यू बहुत ही शानदार लगता है। फिर आज पूजा में
मजा है क्या बोल रहे हो? डायलॉग सुनना। चल बताओ तो। बता। बोल। धावड़ा लोग किस लिए धावड़ा रखे हैं पता है? हाँ थोड़ा रुको ये। भाग छोड़ दे। अबे प्यार बोला। अरे झूठ बोल रहा है। वही भाग बना दे। अरे बाबू। धावड़ा नाम बोला है। मैं कैमरा ऑफ करके एक चीज बोलना चाहूंगा आपसे। निकल। कह रहा जा बहुत ठीक है। गाइस पूजा होती है समाप्त है तो सारे घर की ओर चले गए हैं। जितनी भी पब्लिक है पीछे आ रहे देख रही होंगे आप। तो हम चलते घर की तरफ अब। तो यार मिलते हैं आपको शिवरात्रि में। तो 8 तारीख को बनाएंगे भाई शिवरात्रि। तो पूजा का ये वीडियो है भाई, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे।